चिल्तन प्योर की फाउंडेशन पे पैसे जाया हुए हैं, आप लोग बस ऐड देख लेते हैं और मुझे वक्ता डाल देते हैं, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कर दें कर दें कर दें, रिव्यू कर दें रिव्यू कर दें। इतनी गंदी घटिया फाउंडेशन है कि मैं आपको क्या। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ ना ये सारी जो मेरी फाउंडेशंस हैं जो मैंने यूज़ की हैं, अभी मैंने ये सिर्फ इनका सिंगल सिंगल आर्टिकल रखा हुआ है सारी फाउंडेशन का, मतलब तीन तीन चार चार हैं, अगर वो मैं सारी रखती तो यहाँ जगह नहीं होती। तो इन सारी फाउंडेशंस में से जो बेस्ट फाउंडेशन है जिससे आप अपने पैसे बचा सकती हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है और जल्दी से जो है ना लाइक का बटन दबा दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, तो आज सबसे पहले जो है ना मैं आपको बता दूं कि ये जो नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं ना, ये सारी जो है एक्सपेंसिव हमारी फाउंडेशंस हैं जो 3000 से अबव की हैं, मतलब 4000, 5000, 4500 इस तरह की रेंज में है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर पड़ी है ये कुछ ब्रांडेड हैं जो 7 से 8 हज़ार की हैं, और बाकी कुछ जो हैं वो लोकल हैं जो हमारी मतलब 800 से स्टार्ट होती हैं, 800, 900, 1000, 1100, 1200। लेकिन आपने इनमें से कौन सी ख़रीदनी है आपने वीडियो को पूरा देखना है। इन सारी फाउंडेशन में से सिर्फ दो फाउंडेशंस ऐसी हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हैं, इसके अलावा ये बाकी सारी की सारी थर्ड नंबर पे नहीं आती बल्कि थर्ड क्लास हैं, ठीक है। इस बात को गौर से सुन लीजिए कि ये सारी की सारी सारी नहीं, दो फाउंडेशंस को निकाल के बाकी सारी की सारी थर्ड क्लास फाउंडेशंस हैं, आपने नहीं ख़रीदनी। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ मरियम परवेज़, ये मरियम परवेज़ की जो फाउंडेशन है ना इसकी कीमत है 4000, ठीक है। और इसका अंदर का जो फार्मूला है ना वो इतना घटिया और गंदा टेक्सचर है और ज़ीरो कवरेज के साथ है कि अब मुझे अगर ये 400 रुपये में क्या 40 रुपये भी मिले ना तो मैं मत ख़रीदूँ, मतलब जो 4000 ज़ाया हो गया ना बंदा पहले उसको ही हज़म कर ले, ठीक है। तो ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदनी, इतना मतलब लो कवरेज फार्मूला है और 4000 आपने जो अपने हलाल के पैसे कमाए हुए हैं ना वो ऐसे ज़ाया होंगे कि आपको जैसे दिल में मेरे दर्द उठता है ना कि 4000 ज़ाया हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो जो आपने इतनी मेहनत से कमाए हैं वो पैसे कैसे आपके ज़ाया हुए हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ हमारी ये जो ST की फाउंडेशन है, ठीक है। ये जो है इसका मैं आपको बताऊं कि कीमत है 4800 रुपए में ये आपको चूना लगाते हैं, ठीक है ना, आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदनी। उसके बाद ये वाली जो फाउंडेशन है ये हमारी है 3300 समथिंग, मतलब 3300, ये 4800, ये इन स्टॉक मैं बता रही हूँ, अभी इनके क्या रेट हो गए हैं मुझे नहीं पता, ये मैं आपको जो मैंने जब ख़रीदी है मैं आपको वो वाले रेट बता रही हूँ। ज़ीरो कवरेज है और मतलब कोई परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन लिखी है पता नहीं कौन सी परफेक्शन है, किसी किस्म की परफेक्शन नहीं है, कोई कवरेज नहीं है, मतलब लूट रहे हैं बैठे लोगों को। ST लंदन नहीं होना चाहिए, मैं अब उल्टा नाम ही लेना चाहती, अदन खांसी कर रही है। चलें खैर, अगली फाउंडेशन आपको बताती हूँ मैं ना, ये मुसर्रत मिसबा के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फाउंडेशंस हैं ना इनका मैं आपको बता दूं कि आपको मतलब फुल कवरेज ये नहीं देगी, इसको अगर आपको यूज़ करना ना ये सिंगल आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देगी, कोई फ़ायदा नहीं देगी, आपने कहीं जाना है एज अ BB क्रीम के तौर पे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है कि आपको TV पेंट स्टिक क्रेलोन की ओरिजिनल नीचे लगा के अच्छे से ब्लेंड करनी होगी और फिर ऊपर इसको आप लगाएंगे तो आपको मतलब समझ लेंगे 5000 की तो TV पेंट स्टिक है क्रेलोन की, पहले आप वो ख़रीदें उसके बाद 4700 की ये ख़रीदें, मतलब चला जाता है आपका 8 से 9 हज़ार का खर्चा चला जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर ख़रीदें, 1500-1600 का गैबरीनी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, मतलब 10-11 हज़ार लगा के आप ये ख़रीदें और उसके बाद आप जो है बेस बनाएं, ठीक है। ये भी फेल हो गई, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अच्छा, यहाँ बारी आती है हमारे काशी भाई की, तो इनकी ये जो फाउंडेशन है ये 3300 रुपए की है, यानी कि 3300 की इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस लगाई हुई है कि ये डिस्काउंट में 3300 की है, ठीक है।
अब इसकी जो है मैंने आप लोगों के साथ शुरू से ही रिव्यू किया हुआ है कि पर्सनली मुझे ये समर्स में बिल्कुल मेरे लिए बेकार है, इसकी कोई कवरेज नहीं है। और अगर आप इसको रो पिट के दूसरी फाउंडेशन के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको मिक्स करके यूज़ किया हुआ है, मतलब आधी से ज़्यादा तो आपके अंदर ही रह जाती है, ठीक है। उसको फिर आप बोतल को खोल के और उल्टा ठप ठप करके निकाल के तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कवरेज के मामले में मैं बता दूं, कवरेज है, लेकिन अगर आप कहें कि फुल कवरेज है तो वो उतनी कवरेज नहीं है कि जो आप सोचते हैं कि बहुत ही हाई कवरेज है, एक दफ़ा लगाएंगे और विदाउट कंसीलर ये आपको सेट वेल हो जाएगी, नहीं ये काम नहीं होना। उसके बाद बारी आती है गैबरिनी, गैबरिनी की ये मेरे पास दो आर्टिकल हैं, ठीक है। गैबरिनी मैंने रिव्यू पहले भी किया था कि अच्छी हैं, लेकिन इतना हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। मतलब इनको आप अगर चाहें तो मेरे हिसाब से थर्ड नंबर पर रख सकते हैं, लेकिन ये वाली इनकी बिल्कुल बेकार फाउंडेशन है। हालांकि इसकी प्राइस जो है इससे ज़्यादा है, ये अब इन्होंने 2300-2400 रुपये की कर दी है। मैं आपको अपना जो एरिए में अलफता जो है उसके हिसाब से रेट बता रही हूँ, कहाँ पर कितने रेट्स हैं अभी मुझे नहीं पता, वेबसाइट पर क्या चल रहे हैं, वेबसाइट पर कहीं कभी कभी इनके बहुत ज़्यादा हाई रेट्स होते हैं और कभी कभी ये मतलब 30-40% डिस्काउंट में दे देते हैं। तो ये वाली इनकी जो फाउंडेशन है HD मैट के नाम से, ये बिल्कुल बेकार है। हाँ, उसकी निस्बत आपको ये फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिट देगी, ये फिर भी थोड़ी मैट फाउंडेशन है गैबरिनी डर्मा, ठीक है। अभी इसकी जो प्राइस है वो 1905 रुपये के हिसाब से चल रही है और ये जो है ये 2300 से अबव चली गई है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारी एमरेज की। अब मैं बात करूं ये लस्सी की, तो ये जो हमारी एमरेज की फाउंडेशन है ज़ीरो कवरेज के साथ है, और यकीन करें ये जो लस्सी है ना, मतलब इतनी पतली है, इतनी पतली कि ये आपकी बाहर आ जाती है, ठीक है। इस पर आपके थोड़े से पैसे बच जाते हैं, वरना ये जितनी भी शीशे की बॉटल्स वाली है ना, समझ लें कि आपके आधे पैसे ज़ाया जाते हैं, ठीक हो गया। अब जो है बात करूं जिस पे मेरे सही अभी कल परसों पैसे ज़ाया हुए हैं ना, तो वो मेरी ये चिल्तन प्योर की फाउंडेशन पे पैसे ज़ाया हुए हैं। आप लोग बस ऐड देख लेते हैं और मुझे वक्ता डाल देते हैं, कमेंट पे कमेंट कर दें रिव्यू कर दें। इतनी गंदी घटिया फाउंडेशन है कि मैं आपको क्या बताऊँ, कोई कवरेज नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वो मुल्तानी मिट्टी लेके ना उसको रगड़ के और उसके अंदर तेल डाल के और बस पैक कर दी है 50 रुपये वाली बोतल के अंदर, और इतनी खुरदरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ज़रा अदन को डील कर लूँ, बाकी वीडियो फिर बनाती हूँ। ये इनकी कवरेज है, ये फाउंडेशन है ना, बाकी तो फाउंडेशन टिल्ली अदन को हमने गोदी उठा ली। इस फाउंडेशन की मैं बात कर रही थी, ये जो महान फाउंडेशन है हमारे पाकिस्तान का 100% ऑर्गेनिक फाउंडेशन और ऑर्गेनिक ब्रांड। बाकी फाउंडेशन तो चलो मैं गर्दन पे इधर उधर हाथों पे यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये फाउंडेशन मुझे लग रहा है कि ये फ्लश आउट करनी पड़ेगी, ये मेरे फ्लश के काम आएगी। इतनी घटिया तरीन फाउंडेशन है, मतलब 1200 रुपये का चूना नहीं लगा यार, मतलब हलाल के कमाए हुए पैसे जो बिल्कुल हराम मुँह में चले गए हैं। बस अब इसकी मैं इससे ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर सकती, अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो इस ब्रांड को मैं कहूँगी कि डूब के मर जाए। अच्छा जी, अब ये जो सारी फाउंडेशन है ना, ये सारी ब्रांडेड फाउंडेशंस हैं जो मतलब इंस्टाग्राम पे इधर उधर पेजेस पे लगे हुए और बोलते हैं जी बार कोड स्कैन है, 100% ओरिजिनल है, ये है वो है। तो मैं बता दूं कि भाई हमारे तो पैसे ज़ाया हुए हैं 6000-7000 इस तरह करके। तो ये मतलब ये फिर भी अच्छी है, मतलब ये वाली जो रेवलॉन की है ये तो खैर बाहर से आई थी ना, तो ये मैं कहती हूँ कि ये अच्छी है। लेकिन बाकी ये जो मैंने पाकिस्तान से ही मंगवाई है ना, जो कहते हैं जी बार कोड स्कैन है, फलाना है, ढमकाना है, तो मैं बता दूँ कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। वही पता नहीं कहाँ से 2 नंबर चाइना का माल उठा के सेल कर देते हैं और बोलते हैं जी बार कोड स्कैन है, हमारे तो पैसे ज़ाया हो गए हैं। और जो लोग कहते हैं ना नहीं हम नार्स टार्ट और ये मेबलिन और हुदा यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, तो भाई उनको अच्छा मिलता होगा, वो ख़रीदें पैसे ज़ाया करें, लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, मैं मज़ीद पैसे ज़ाया नहीं कर सकती, ठीक है। और जनाब यहाँ आ गई ये MJ की पड़ी हुई है, बुनेंजा की टॉप फेस की पड़ी हुई है, ब्यूटीफाई बाय आमना की, बी क्यूट की तो खैर आप छोड़ ही दें, और उसके बाद ये मिस रोज़ की पड़ी हुई है। ये सारी समझ लें कि जो आप लोग बीबी फार्मूला अपना यूज़ करते हैं ना,
ये वो चीज़ें हैं, ये फोकलोर ब्रांड की है, ये भी बेकार है, बिल्कुल बेकार तरीन जिसको बोलते हैं ना, मतलब कोई कवरेज नहीं है, कुछ नहीं है। ग्लैमरस का आप लोग रिव्यू मांगते हैं, ग्लैमरस में भी देख लें ये आधी इसके अंदर है, ठीक है ना, बस ये जो रह गई सो रह गई, ये आपके हथे नहीं आनी, बाकी ख़त्म है कहानी। अच्छा ये देखें मिस रोज़ की भी, ये वाला आर्टिकल मैंने कहा था कि आप मिक्स फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं, कि सारी जितनी भी फाउंडेशन है ना ले ले के मैंने मिक्स की हुई हैं। अब इनके बाद मैं बात करूँ जो मेरी अभी मोस्ट फेवरेट चल रही है ना फाउंडेशन, जो मैं धड़ाधड़ मंगवा रही हूँ और मेरी ख़त्म भी हो रही हैं, तो वो ये इन्हेंस ब्यूटी की फाउंडेशन है, ठीक है। ये इनका फेयर शेड है और ये इनका मीडियम शेड है। मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगी, ये जो जिस बहन ने बार बार कमेंट किए हुए हैं ना कि शेड्स दिखा दे शेड्स दिखा दे, उनको मैं इस वीडियो में शेड्स भी दिखा दूंगी इनके, ठीक हो गया। और यहाँ मैं बेनिफिट बताऊँ तो रिवाज की और ये वाली इसलिए मुझे पसंद है कि ये देखें, ये मैंने, ये इनका पुराना जो है वो आर्टिकल था, ये मैंने सारा यूज़ कर लिया है और आप देखें कि ये सारी यूज़ हुई है, एक कतरा इसके अंदर नहीं रहा, और आपके जो हलाल के पैसे हैं ना वो सच में हलाल हुए हैं, हराम नहीं हुए, ठीक है। और ये इनका न्यू आर्टिकल था, ये देखें ये भी सारी अभी इसमें इतनी है, ठीक है ना, ये अभी इसके अंदर थोड़ी सी है, मतलब आपका एक एक ड्रॉप जो है ना वो आपके इस्तेमाल में आता है, आपके पैसे ज़ाया नहीं होते। क्वालिटी अच्छा, इनका मैं बता दूं 3500 की ये फाउंडेशन है, 3500 की एक फाउंडेशन है, पैसों के मामले में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बिल्कुल भी, क्वालिटी इनकी इतनी ज़बरदस्त है ना, मतलब पैसा इन्होंने एक नहीं कम करना, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये इनका फेयर शेड है, ये मीडियम, और ये मैं आपको बता दूं कि 100% जो है ना वर्क करती है, फुल कवरेज है, लॉन्ग लास्टिंग, आपका एक पैसा ज़ाया नहीं होगा। तो ये जो मैं आपको बता रही थी ना, फर्स्ट नंबर पे हमारी आ गई इन्हेंस ब्यूटी, और सेकंड नंबर पे आ गई रिवाज की प्रो लॉन्ग वेयर। गौर से इन शीशियों को देख लें, इनके अलावा कोई भी आपको फाउंडेशन रेकमेंड नहीं है मेरी तरफ से, अब फ्यूचर के लिए बता रही हूँ। अच्छा इनमें मैं बता दूँ आपको कि पाइप नहीं होता, ठीक है, ये पाइपलेस होती हैं, ये एयर फाउंडेशन होती हैं, इनके अंदर से मतलब आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो फाउंडेशन निकलती रहेगी। अब मैंने अदन को गोद में उठाया हुआ है, मैं आपको भी ये लगा के इनके शेड्स दिखाती हूँ। सेम इसी तरह रिवाज का भी, ये देखें इसमें भी पाइप नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको शेड चेक करवा देती हूँ। अच्छा ये रही इन्हेंस ब्यूटी की, ये देखें ये है इसका फेयर शेड और 100% फुल कवरेज। अच्छा इसको आप जो ड्राई स्किन वाली हैं, पिछली दफ़ा मेरी वीडियो में बात रह गई थी कि ड्राई स्किन वाले जो है ना इसको अच्छे से लगा के छोड़ दें 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद हल्का हल्का जो है कॉम्पैक्ट पाउडर इसके ऊपर लगाएं, ठीक है। हल्का हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर जब आप लगाएंगे ना तो क्या होगा कि ये खुद ब खुद मैट हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैट है। ये इसका मीडियम है और ये इसका फेयर शेड है, डार्क शेड मुझे नहीं मिला, डार्क शेड जैसे ही आएगा वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। बाकी ये दो फाउंडेशन जो है ना ये मेरी तरफ से 100% रेकमेंड हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बाकी ये जितनी भी पड़ी हुई है ना सब की सब, समझ तो आप गए होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब मुझे जो है ना आपने बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखना है, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लगनी भी चाहिए, बहुत मेहनत की है मैंने इस पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।